तो आप सभी का स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल एपी डायरेक्ट पे। मैं आपका रिपोर्टर तकु नमो, और इस वक्त हम खड़े हैं ये पाइन ग्रुप पर, और यहाँ से लगभग 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर हमें एक ऑर्गेनिक कैबेज गार्डन मिलेंगे, और इस वक्त वो सोशल मीडिया में बहुत ही फेमस हो रहा है, तो आज हम आपको वहाँ लेकर चलेंगे। तो कुछ मिनट के सफ़र के बाद हम पहुंच गए हैं उस केविज गार्डन पर। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरा पहाड़ केविज से भरा हुआ है। आइए हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं। तो आइए हम इस केविज गार्डन के ओनर और फार्मर के साथ बातचीत करते हैं। भैया जी, ये आप लोग जो ये पूरा पहाड़ को आप लोग ये केबेजी लगाया गया है ना, तो आप लोग इसको किस तरह का लगाया है, कब लगाया है, मेहनत कितना लगा है, उसको थोड़ा बताइए। इसका मेहनत का है भाई, पहले तो इसका जंगल सफाई किया हुआ है, और उसके बाद ये जितना लकड़ी उकड़ी निकला हुआ है ये सब जलाया गया हुआ है। उसके बाद खुदाई किया है, फिर इसके ऊपर वो मोल बोलते हैं उसको डाला जाता है, उसके बाद खुदाई करके फिर वो बीजन उधर रखा हुआ है उसको इसको लगाया जाता है। और उसके बाद में इसके ऊपर से फिर वो आपने पूछा कौन से महीने में है, ये आपका मई जून जुलाई, ये 3 महीना पहले मई से ये स्टार्ट किया जाता है। और कितना आप इतना पहाड़, ये बहुत बड़ा पहाड़ है, तो उसको लगाने के लिए, इतना ज़्यादा लगाने के लिए आप लोगों को कितना मेहनत करना पड़ा इसको? इसका मेहनत तो बहुत ही किया जाता है, इसमें आदमी भी बहुत ज़्यादा है, हम लोग तकरीबन 30-35 आदमी है यहाँ पे। 30-35 आदमी इसको सब लगाने के लिए? हाँ, अच्छा मतलब इसकी पूरे शुरुआत से ले के लास्ट तक। अच्छा और ये कब इसको निकाला जाएगा? अभी तो शायद ये अभी तो ये चालू हो चुका है। चालू हो चुका है। हाँ, अभी ये जुलाई महीना है, जुलाई से जुलाई अगस्त तक ये पूरा चालू हो गया है। इतना खास डर नहीं हुआ है, अभी ये महीना पूरा जाएगा, फिर अगले महीने से बिकने के लिए। अभी मतलब थोड़ा कम जा रहा है। तो क्या ये आने वाला साल को भी लगाया ना, इस बार फर्स्ट टाइम लगाया है? ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे लगाया गया हुआ है। फर्स्ट टाइम लगाया हुआ है हाँ ना, तो देखने से आने वाला साल में आप लोग उसको सिर्फ ये जंगल को पूरा सफा किया था। हाँ अच्छा, हाँ तो जी, इसका मालिक कौन है? इसका मालिक तो जमीन मालिक ये है घर, नाम क्या है उसका ना? ये इसको तो मुझे मालूम नहीं है, ओ, मालूम नहीं ना। नहीं है। ओके, और ये तब तो आप लोग इसको ये किस तरह बेचते हैं, या होलसेल रेट में बेचते हैं ना, कैसा टाइप का बेचते हैं आप लोग? नाथरा तक यहाँ से लेके जाते हैं? वो होलसेल रेट तो मुझे मालूम नहीं है, वो मालिक लोग है, मालिक लोग को बता पाएगा। अगर कोई यहाँ में आके अगर आप लोग को या 1 किलो 2 किलो करके अगर खरीदेगा बोनस से, आप लोग क्या इसको दे देंगे क्या? नहीं, ऐसा तो सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं ना, नहीं है। तो पूरा ये पूरा गुता गुता इसको लेके हाँ, जाते हैं? ये कोई भी लेगा तो मान लो ये टन हिसाब जाता है। नहीं सर। हाँ, 2 किलो 2.5 किलो के सिस्टम नहीं है, ऐसा है। तो ये कब तक इसको, तब तो ये खाली किया जाएगा अभी अभी ये लास्ट दिसंबर तक चलेगा, ये नवंबर अक्टूबर तक, अक्टूबर तक अक्टूबर ये? नवंबर तो उस समय तक ये नहीं सरेगा ना, नहीं नहीं निकलते नहीं रहेगा? ये अभी मान लो अभी ये पहला फल ये लगा हुआ है, ये ख़त्म हो जाएगा, फिर सेकेंड है, थर्ड है, ऐसा होता है। तो उस समय की दोबारा आप लोग उसको ये डालेंगे ना, यहीं से आपका निकल जाएगा? नहीं, दूसरा दूसरा, अभी पहला खेती शुरुआत में ये किया है, ये स्टडी ये ख़त्म हो गया तो ये छोड़ देंगे, फिर वो दूसरा सेकंड में लगाया उसका यूज है, ऐसा है। ऐसा ना, हाँ, आगे पीछे आगे पीछे। आगे पीछे होता है, तो कंटिन्यू लगते रहेगा। ठंडा हाँ का समय में भी ये हाँ होता है ना? ठंडा में ठंडा नहीं होगा, में नहीं नहीं होगा, होगा, वो छोटा पड़ जाएगा छोटा पड़ जाएगा ना। जी। ओ, ठंडा में छोटा हो जाएगा और गर्म का सजे में ये बड़ा हो हाँ जाता है ना। हाँ तो दैट मीन्स आप लोग अभी अक्टूबर में इसको पूरा खाली करके फिर नया लगा रहे हैं? हाँ नया, अच्छा, तो उसको उगते उगते फिर ये 2-3 महीना लग जाएगा उगने के लिए ना? हाँ 2-3 महीना, अभी 90 दिन 60 दिन ऐसा लगता है। आप लोग को इतना, आप लोग का मेहनत जो इतना बड़ा ये जंगल में पूरा केबेजी केबेजी दिखाई दे रहा है, तो आप लोग देख के खुश लग रहा है आप लोग का खुश मन तो में है, बहुत ही खुश है। ऐसा ना? हाँ
तो आप जब लोग मेहनत किया हुआ है तो वो तो खुश तो होना ही है हमको लास्ट तक के। हम लोग काम करने वाला आदमी है, मालिक को भी अच्छा से रखना है, हम लोग भी अच्छा से रहना है। और यहाँ पे जो जितना आपका जो लेबर लोग है जो काम कर रहे हैं, आप लोग का 35 ऐसा है बोला ना, हाँ 40-35 आदमी बोला ना, हाँ 30-35 तीस आदमी। पैंतीस ना, तो उन लोग कहाँ कहाँ में बैठते हैं? यहाँ यहाँ डायरेक्ट बैठ के हाँ काम करते यही हैं यही। पूरा घर, सब हाँ घर बार सब कुछ? हाँ ओके, होगा, थैंक यू। अनफॉर्चुनेटली हम आज ओनर से नहीं मिल पाए, लेकिन हमारे यहाँ के वर्कर से पूछताछ करने के बाद आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पहाड़ में इसे गार्डनिंग करना कितना तकलीफ़ हो सकता है। तो ये एक जीरो का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, और आप इसी तरह कहीं और जगह में भी आप ये एग्जांपल अप्लाई कर सकते हैं, और आप इसी तरह एपी डायरेक्ट के साथ बने रहे। मैं टाकू नमो, एपी डायरेक्ट जीरो।